हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं नॉलेज विद प्रिंस। तो आज मैं आपको अपने एमएस पेंट के अंदर आपको स्नेक बनाना बताऊंगा कि आप अपने एमएस पेंट में स्नेक कैसे बना सकते हैं। तो आप अपने स्नेक बनाने के लिए आप अपने एमएस पेंट को ओपन कर लीजिए। मैं ये विंडो आर दबाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एमएस पेंट। ठीक है, एमएस पेंट लिखने के बाद क्लिक ओके कर देंगे और ये आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्नेक बनाना, स्नेक बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये एक सर्कल लेना पड़ेगा। तो मैंने ये सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद आपको ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपको जितना बड़ा स्नेक बनाना है उसके हिसाब से अपना सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर आइज बना देता हूँ, आँखें बना देता हूँ, दो, ये एक और ये दो। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आँख मुँह बनाइएगा। मैं ये बना देता हूँ, आँख बन गया। उसके बाद इसकी नोज़ बनाने के लिए कर्व लाइन लूँगा जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो मैं इसको पहले तो सीधा खींचूँगा। खींचने के बाद इसको क्लिक करके और इसको नोज़ के शेप में बना दूँगा। उसके बाद आप जाइएगा ये स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको ये सीधा एक स्माइली फेस के लिए ऐसे सीधा ड्रॉ कर देना है। करने का ऐसे ये सीधा ये ड्रॉ कर देना और क्लिक कर देना ताकि ये इधर उधर हिले ना। ठीक है, उसके बाद ये फिर से हम कर्व लाइन पे जाएंगे, उसी के ऊपर वो कर्व लाइन फ्यूचर ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, क्लिक कर दिया और फिर ये बीच से पकड़ के इसको नीचे खींचेंगे ताकि ये स्माइल बन जाए। ये स्माइल बन गया। ठीक है, उसके बाद हम अपना इसमें कलर टूल पे जाएंगे, कलर टूल ले लेंगे और इसमें ब्लैक कलर लेके इसकी आँखें ब्लैक कर देंगे। आप अपने साथ जो मर्जी कलर कर सकते हैं। मैं इसकी आँखें ये ब्राउन कर देता हूँ, उसके बाद इसका चेहरा मैं ये पर्पल कर देता हूँ। ठीक है, और मुंह रेड कर देता हूँ, उसके यानी स्माइल रेड कर देता हूँ। और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये दूर से करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे सेलेक्ट हो जाए, ताकि सही से हमारा स्नेक बन जाए। स्नेक बन गया और इसके स्माइल बन गया। अब स्नेक बनाने के लिए हम सिलेक्ट पर जाएंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड का शिफ्ट बटन और माउस का राइट क्लिक दबा के इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि एक स्नेक का शेप ले लेंगे। देखो ये स्नेक कुछ बन गया इस प्रकार।